बीते दिनों गुजरी बाजार में हुए चाकूबाजी के मामले में चाकू मारने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और 15 जून को पुनः दोनों आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाकर चाकूबाजी के सीन को रिक्रिएशन किया गया और दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार चार दिन पहले बुधवार की देर रात सबसे व्यस्तम इलाके में से एक गुजरी बाजार में चाकू घोंपकर एक युवक को घायल करने वाले आरोपितों को शनिवार को पुलिस घटना स्थल लेकर पहुंची। कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले के नेतृत्व में पुलिस बल दोनों आरोपित प्रिंस उर्फ राजा पिता शैलेंद्र यादव उम्र 18 वर्ष और स्वप्निल उर्फ बोधी पिता स्वर्गीय वीर सिंह मरसकोले 28 वर्ष के साथ उस स्थान पर पहुंचा, जहां उन्होंने बुधवार को मीत बिसेन पर लगातार चाकुओं से हमला कर घायल किया गया था। राजघाट चौक से घटना स्थल तक आरोपितों को पुलिस टीम पैदल लेकर पहुंची। निरीक्षक प्रकाश वास्कले ने घटना का रिक्रिएशन के रूप में आरोपितों से घटनाक्रम से जुड़े एक एक बिंदु पर पूछताछ की। मीत बिसेन की गाड़ी कहां रोकी गई, आरोपितों की गाड़ी कहां खड़ी थी, मीत बचने के लिए किस दिशा में भागा था, किस दुकान के सामने आरोपितों ने चाकू से वार किया था, जैसे तमाम बिंदुओं पर पुलिस ने पूछताछ की। इस दौरान गुजरी बाजार में लोगों की भीड़ जुट गई थी, जिसके बाद पुलिस पैदल ही प्रिंस यादव और स्वप्निल को लेकर वार्ड क्रमांक 19 सिंधी कॉलोनी स्थित प्रिंस के घर पहुंची। मौके पर पहुंचे CSP अंजुलायंक मिश्रा और निरीक्षक प्रकाश वास्कले ने आरोपितों से बारीकी से घटना कारित करने के बाद घर आने पर कपड़े बदलने के घटनाक्रम को लेकर आरोपितों से जानकारी ली। इसके बाद दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि 12 जून की रात उक्त दोनों आरोपितों ने मीत बिसेन के साथ पुरानी रंजिश के चलते चाकूबाजी की घटना को कारित किया था और शहर की शांति कानून व्यवस्था बिगाड़ी थी। अगले ही दिन पुलिस ने आरोपितों को धर दबोचा और शनिवार को पुलिस ने घटना का रिक्रिएशन किया। पुलिस के पहरे में आरोपितों को पैदल ले जाते हुए देखकर लोग चकित रह गए। जो घटना कारित की गई थी उसके संबंध में कल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था कोतवाली पुलिस के द्वारा और आज उनको मौके स्थल पर ले जाकर सीन को रिक्रिएट किया कराया गया। फिर उसके बाद वो अपने घर भागे थे, वहाँ पर उन्होंने अपने कपड़े वगैरह फेंके थे और जो हथियार इस्तेमाल किया था उसको छुपाया था, तो वहाँ पर जाकर घर भी जाकर उसके सीन को रिक्रिएट कराया गया। उसके बाद अभी आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सर, घटना को कारित करने की क्या वजह थी, क्या कारण समझ? इनका आपसी विवाद था पहले का, पुराने समय से दोनों पक्षों के बीच रंजिश चली आ रही थी, उसी के संबंध में इनका झगड़ा हुआ। सर, शहर के मतलब गुजरी बाजार जैसा एक व्यस्ततम बाजार कहलाया जाता है, यहाँ पे इस तरह की घटना हुई, तो इसके बाद क्या चौकसी, क्या सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त और ज़्यादा तेज किए गए? लगातार हमारे फिक्स पॉइंट भी लगते हैं शाम को और भ्रमण भी सभी पुलिस कबल करता है। इसके बाद भी ऐसी घटना हुई है तो उस पर हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, उसको और स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे और जो दोनों आरोपी है उनके विरुद्ध भी सख्ती से पुलिस कार्रवाई करेगी।